बन है ना एकदम से क्रिस्पी मक्की की रोटी। तो जिन बहू बेटियों को जो किचन में नई नई एंटर होती हैं उनको मक्की की रोटी बनानी बहुत मुश्किल लगती है, तो आज उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं आपको, डियर फ्रेंड्स नमस्कार, तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मक्की की रोटी। किस तरह से इजीली हम मक्की की रोटी बना सकते हैं, क्योंकि कई जो बिगिनर्स होती हैं, न्यू न्यू बच्चे जो बहुएं होती हैं, जब हमारी बेटियां होती हैं जिनको ये मक्की की रोटी बनानी मुश्किल लगती है, तो उनके लिए भी बहुत ही आसान होने वाली है इस ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कटोरी मक्की का आटा ले लिया है और फ्रेंड ये मैंने पानी है तेज गर्म कर लिया है। इसकी यही ट्रिक होती है कि पानी को हमने तेज गर्म करके इसमें डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इसको हमने कनक के जो गेहूं के आटे के जैसा नहीं बनाना है, बल्कि इसको हमने थोड़ा सा टाइट रखना है। इस तरह से थोड़ा सा पानी हमने इसमें फ्रेंड्स डाल दिया है और इसको फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ताकि जो गर्म पानी के साथ है इसको ये बाइंड हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि हाथ से इसको नहीं कर सकेंगे, बहुत गर्म तेज पानी का हमने यूज किया है। तो क्योंकि इसमें जो खुश्क होता है मक्की का आटा थोड़ा सा, तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा इकट्ठा कर देना है। इस तरह से अच्छी तरह से इकट्ठा कर देंगे थोड़ा सा। अब इसको हमने थोड़ा सा हाथ से ही ऐसे प्रेस कर देना है। जो हमारी दादी नानी है इसी तरीके से रोटी बनाती थी, तो बहुत ही इजीली ये रोटी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। इस तरह से इसको हमने 2 मिनट के लिए रख देना है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से। और जो गर्म पानी का हमने यूज किया है उसको ही हमने साथ में फिर से रख लेना है। थोड़ा सा आटा ठंडा हो चुका है, अब इसमें से हमने थोड़ा सा हाफ आटा है जो, इसको थोड़ा सा मसल लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से हम किसी भी चीज को बाइंड करने की थोड़ा जोर लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको हमने हथेली की हेल्प से इसको ऐसे ऐसे मसल लेना है। इसको रख लेंगे साइड में, इसको भी इस तरह से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको मसल लेना है, ताकि अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए। क्योंकि ठंडा होने से पहले पहले अगर ये जुट जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर ये ठंडा हो जाता है थोड़ा, तो फिर रोटी बनानी बहुत मुश्किल आती है। लेकिन जो रोटी हम बनाएंगे बिल्कुल गेहूं के आटे के जैसे फूल के रोटी आएगी। बहुत ही आसान तरीका है। मक्की का आटा आपका जो है वो बारीक होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। जब भी आप खरीदते हो तो एक बार उसको प्लीज चेक कर ले कि मक्की का आटा बारीक होना चाहिए। ये लीजिए, ये आटा हमारा सिर्फ 1 मिनट का समय लगा है, लग चुका है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड का या फिर घी का यूज कर सकते हो, लेकिन हमें तो प्रैक्टिस है इसलिए हम इसको पानी से ही अच्छी तरह से कंबाइन कर लेते हैं। इस तरह से ये कंबाइन हो चुका है, आप देख सकते हो। इस तरह से हमने पेड़ा लेना है, तो फ्रेंड्स आसान बनाने के लिए रोटी जो बिगनर्स हैं उनके लिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं। एक हमने पॉलीथीन लेना है, कोई भी साफ सुथरा पॉलीथीन आप ले लें। इस तरह से हमने आटे की लोई ली है, इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे यहाँ पे। आप इसको घुमा के भी बना सकते हो, इसके टैप करके भी इसको बना सकते हो, बहुत आसानी से रोटी हमारी बन जाएगी। इस तरह से जहां से भी इसका क्रैक आया वो हमने हाथ से ठीक कर देना है फ्रेंड्स। ये देखिए रोटी बन चुकी है, इसको हमने हल्का सा ऐसे उठाया तो देखिए रोटी बन चुकी है। तो तवा गर्म हो चुका है, इस पे हमने रोटी डाल देनी है। एक तरफ से रोटी हमारी सिक चुकी है, इसको हमने पलटे के साथ इस तरह से पलटा। ये देखिए अब इस रोटी को हमने उठाना है और गैस पे रख देना है डायरेक्ट। बस सेकेंगे, इस तरह से रोटी है हमारी दोनों तरफ से सिक चुकी है। इसको हमने घी लगाना है। अब घी लगा के इसको हमने नरम कर लेना है रोटी को। इसी तरह से हमने सारी रोटियां बना के तैयार कर लेनी है।
अच्छी तरह से सेकते रहेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से हमने रोटी को सेक लेना है। गैस के ऊपर ही हमने इसको घी लगा लेना है, क्योंकि गर्म रोटी होती है तो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो घी है थोड़ा सा वो जम जाता है। लेकिन इसको हमने साथ के साथ ही हॉट केस में रखते जाना है ताकि रोटी है हमारी बिल्कुल ही नरम रहे। इस तरह से रोटी से हमने ये हमारी रोटियाँ बनती जा रही हैं। बहुत ही सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हो चुकी है, तो एकदम से क्रिस्पी रोटियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही आसानी से कोई भी